स्वच्छ भारत अभियान का अनोखा उदाहरण भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी है, जहां इस गांव में कोई भी अपने आसपास कूड़ा नहीं डालता। वहीं आपको बता दें कि युवाओं की टीम घर घर से कूड़ा उठाती है। आपको बता दें 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर तीन युवाओं ने इसकी शुरुआत की थी और पीएम मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इन युवाओं की सराहना कर चुके हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल भी इस गांव की स्वच्छता को देखने और प्रोत्साहन के लिए गांव का निरीक्षण कर चुके हैं। टीम का नाम युवा स्वच्छता जन सेवा समिति है। ये शुरुआत में हम शुरुआत की उस टाइम दो तीन आदमी थे, इसमें युवा साथी थे। आज 1781 युवा साथियों के नौजवानों की, उसमें हमारे साथ रिटायर्ड फौजी भी हैं, सर्विसमैन भी हैं, टीचर्स भी हैं, किसान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। पर्यावरण के ऊपर और सफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव में तब से प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया था, हमने भी उसी टाइम ये प्रेरणा ले ली थी कि हम भी अपने गांव को, अपने मतलब शहर को साफ सुथरा रखें। दुल्हेड़ी गाँव की बात की जाए तो हरियाणा में जी एक छोटा सा गाँव है, और जिसने प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम लिया और ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी गाँव का गुणगान किया और मन की बात में इतना वो करा। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर भी गांव से पैसे लाए मिलने की, बड़ी खुशी हुई हमारे को और हमारी पूरी टीम को। और मैंने तो इनको ज़्यादा तो वो नहीं, मैं इतना जानता, बाकी मैं इनसे कुछ दिनों के बाद इनसे जुड़ा हूँ। पहले ये टीम गठित हो चुकी थी, मोदी जी ने हमारे गाँव को, टीम को, डिस्ट्रिक्ट को मतलब खूब सराहा, इससे हमारे मन बिल्कुल गदगद हो गया।